चलिए बच्चे, देखिए हम लोग नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ रहे थे, है ना। नर्व इंपल्स कंडक्शन में देखिए ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो चीजें समझ में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, ठीक है। और अभी मैं आपको आराम से समझा दूंगा पूरा खेल की क्या होता है नर्व इंपल्स कंडक्शन में, ठीक है। चलिए बस आप मेरे साथ साथ चलिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा नर्व इंपल्स कंडक्शन, ठीक है। देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, या फिर उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब आप जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेंगे, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि यह एक न्यूरॉन है, आपको पता है न्यूरॉन में ये डेंड्रॉन पे लगा हुआ ये कौन सा पार्ट है, ये रिसेप्टर है, ओके, यही है रिसेप्टर। और आपको पता है कि रिसेप्टर जो डेंड्रॉन पर डेंड्राइट पर लगे हैं, सॉरी, वही स्टिमुलस को रिसीव करता है। मैंने किसी भी प्रकार को कोई एक स्टिमुलस दिया, क्या दिया, स्टिमुलस दिया, क्या दिया, स्टिमुलस, लीजिए ये है स्टिमुलस, ये है स्टिमुलस, ये है स्टिमुलस। किसी, देखिए स्टिमुलस का मतलब एनी काइंड ऑफ चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, किसी भी प्रकार का जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, पीएच में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, टच, प्रेशर, कुछ भी ऐसा, वाइब्रेशन, कुछ भी ऐसा, ठीक है। स्टिमुलस रिसीव किसने किया, ये रिसेप्टर भी पता है प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस रिसेप्टर होते हैं, उसने उस रिसेप्टर ने उस इंपल्स को रिसीव करके, स्टिमुलस को रिसीव करके डेंड्रॉन को दिया। डेंड्रॉन ने बनाया एक टाइम एंड डिस्टेंस वेरिंग करंट, दैट इज ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल कैसे बनता है, कैसे प्रोपेगेट करता है, यह आपके लेवल पर स्टडी नहीं, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि ग्रेडेड पोटेंशियल स्टिमुलस को गेन करने के बाद बनता है। यहाँ पर भी आयनिक मूवमेंट से ही होता है ये सब खेल, कैसे होता है सब आप अभी भी इसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्रेडेड पोटेंशियल बना, और ग्रेडेड पोटेंशियल सेंट्रीपिटल कंडक्शन शो करते हुए, पहले तो सेंट्रीफ्यूगल हुआ डेंड्रॉन ने किया, देन वही ग्रेडेड पोटेंशियल आया कहाँ, एक्सॉन हिलॉक के पास। ये एरिया है एक्सॉन हिलॉक, ये पूरा ए एरिया मैंने एक्सॉन हिलॉक बताया, ए एरिया, दिस इज द ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन, एक्सोलिमा, एक्सोलिमा या एक्सॉन बोलो, ठीक है, बी सी डी एस एस सोन, आगे एलोंगेट होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रेडेड पोटेंशियल कहां पहुंचा, सबसे पहले एक्सॉन हिलॉक, और ये ग्रेडेड पोटेंशियल खुद एक करंट है, लेकिन ये एक्सॉन हिलॉक के लिए एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगा। ये ग्रेडेड पोटेंशियल खुद एक करंट है, लेकिन ये एक्सॉन हिलॉक के लिए एज अ स्टिमुलस एक्ट करेगा। और न्यूरॉन जब कुछ नहीं कर रही होती, रस्टिंग स्टेज में, अंदर से निगेटिवली बाहर से पॉजिटिवली, मतलब पोलराइज्ड स्टेट में होती है, पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट होता है। तो अभी स्टिमुलस आया है कहां पर, एक्सॉन हिलॉक पर, और स्टिमुलस किस फॉर्म में आया, एक्सॉन हिलॉक पे ग्रेडेड पोटेंशियल के फॉर्म में स्टिमुलस आया है एक्सॉन हिलॉक पर। और मैंने आपको सिखाया है कि अभी मेम्ब्रेन अंदर से लो वोल्टेज पर है, लो वोल्टेज पर यदि स्टिमुलस पहुंच जाए तो सोडियम वीडीसी खुल जाता है। अब मैं वो सब यहाँ नहीं दिखाऊंगा, डायग्राम बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप ये समझो ये पूरी एक्सोलिमा में सोडियम वीडीसी, पोटेशियम वीडीसी, पंप, चैनल सब लगे हुए हैं, ठीक है। पहले मैंने जूम डायग्राम पढ़ाया आपको, ठीक है। तो जैसे एक्सॉन हिलॉक पर आया स्टिमुलस ग्रेडेड पोटेंशियल के फॉर्म, यहां पर खुल गया कौन, लो वोल्टेज अंदर से खुल गया कौन, सोडियम वीजीसी, क्योंकि लो वोल्टेज पर कौन खुलता है, सोडियम वीजीसी। और जैसे ही खुला तो सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स होने लगा, क्या होने लगा, ये एक्सॉन हिलॉक वाले एरिया में सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स होने लगा। और आपको पता है अगर सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स होने लगे तो क्या होने लगेगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा होने लगेगा, एक्युमुलेशन होने लगेगा। और अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर से सोडियम आ रहा है, मतलब बाहर पॉजिटिव आयन की घटोतरी होने लगे। अगर बाहर पॉजिटिव आयन की कमी होने लगे, अंदर पॉजिटिव आयन की अधिकता होने लगे, तो बाहर पॉजिटिव आयन के कमी की वजह से निगेटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से ही सोडियम आ रहा है अंदर, और अंदर पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से, पॉजिटिव आयन के बढ़ने की वजह से, सॉरी, पॉजिटिव आयन के बढ़ने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना होने लगेगा, और ये इस कदर होगा। अच्छा, इस बीच में जीरो भी आया होगा, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि एक्सोलिमा की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। इससे पहले ये पूरी की पूरी एक्सोलिमा वाली सेगमेंट पोलराइज्ड थी, कैसी थी, पोलराइज्ड, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ, पोलराइज्ड, ये पूरी की पूरी कैसी थी, पोलराइज्ड, पूरी एक्सोलिमा पोलराइज्ड,
क्योंकि अंदर से निगेटिव और बाहर से पॉजिटिव, पोलराइज थी। कैसे हुई थी पोलराइज वो मैंने आपको सिखाया, लेकिन जब स्टिमुलस दिया तो पहले एक सेगमेंट ए वाला जो एक्सोलिमा जो एक्सोन हिलॉक है वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का और क्या हुआ पोलैरिटी रिवर्स हो गई। मतलब अब आप बोलोगे कि ये सेगमेंट डीपोलराइज्ड हो गई, ए सेगमेंट डीपोलराइज्ड हो गई, बाकी के सेगमेंट को बी सी डी ई को पता तक नहीं कि बगल में क्या हुआ। तो इसका मतलब ये सब अभी क्या है पोलराइज्ड, ये सब पोलराइज्ड है। आप देखो अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव, और कुछ नहीं होता था, मेम्ब्रेन अंदर से ऐसे ही होती है और बाहर से ऐसे ही होती है। जब स्टिमुलस नहीं मिला, स्टिमुलस मिला तब जाके ए सेगमेंट में डीपोलराइजेशन हो गया और पोलैरिटी रिवर्स हो गई। यहां तक सभी को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। यहां तक सभी को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा एक बात पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये अलग अलग पांच न्यूरॉन नहीं है, एक ही न्यूरॉन का अलग अलग पांच कंडीशन में डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये अलग अलग पांच न्यूरॉन नहीं है, एक ही न्यूरॉन का अलग अलग पांच कंडीशन में डायग्राम बनाया गया, ठीक है। चलो अब मैं एक थोड़ा सा बेसिक पर फिर से बता दूं, इसी में बच्चे कल कंफ्यूज हो रहे, ठीक है। सुनेगा ध्यान से, ज्योति भी कंफ्यूज थी, शिवानंद कंफ्यूज था, अक्सर सारे बच्चे कंफ्यूज थे। देखिए होता क्या है ना कि जो करंट होता है, करंट करंट का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, मान लो ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन, तो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, समझ रहे हो। ये कोई ऐसा एरिया है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये कोई ऐसा एरिया है जहां पर निगेटिव चार्ज, तो करंट का फ्लो होता है ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। ये बात सभी को क्लियर, आंसर कीजिए जल्दी से किसी भी सरफेस के अक्रॉस, ठीक है। और एक बात बताता हूं, करंट के दौरान जो ये फ्लो कर रही है, ये फ्लो पॉजिटिव आयन होती है। फ्लो किसका होता है, पॉजिटिव आयन का होता है। ये बात कितनों को समझ में आ गया, हाथ रखिए। देखो आज ज्योति हाथ खड़ा कर रही है, आप समझ में आ गया ज्योति, ये करंट का फ्लो है और करंट के फ्लो में मूव कौन करता है, मूव करता है पॉजिटिव आयन। और मूवमेंट कहां से कहां होता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेटेड था और जहां पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेटेड था उधर की तरफ, ठीक है। तो ये बात बेसिक कंसेप्ट है, इसी को आप ठंडा बनाओ, इसी को फंडा बनाओ और इसी से आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात सर, एक डाउट था। हाँ क्या बोलिए। बट जब करंट फ्लो होता है तो मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी कि नेगेटिव आयन का। अरे मैंने उल्टा बोल दिया, सही बोल रहे, ये सही बोल रहे। एक मिनट रुकिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे सच में मैंने उल्टा बोल दिया, और ये कल भी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज निगेटिव आयन का, अब ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उसी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर आपसे ये पूछेंगे हम आपसे कि ये करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, एक मिनट गए यहाँ पे मिटा दूं, चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ये पूछेंगे, और ये करंट का फ्लो पॉजिटिव आयन के फ्लो में, फ्लो के सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, हालांकि पॉजिटिव आयन वहां पे फ्लो नहीं करता जो आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, ठीक है, वो छोड़ो। यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रही है, मतलब नेगेटिव आयन इधर फ्लो कर रही है, तो वही डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो बताओ सभी लोग, करंट के फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में है या अपोजिट में, सभी लोग बोले क्या, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, करंट का फ्लो
एक बात बताओ हर्ष, जो सेम बोले हो तो वो तो ठीक है, अभी तुम खुद बोले कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के, मुझे लगता है ना हर्ष मुझे और कंफ्यूज कर दिया। नो सर, सर फिजिक्स में होता है ना जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एक मिनट रुको, मुझे पहले अपने आप से सोचने दो, ठीक है? ये तो परफेक्ट है कि करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, दिस इज अ परफेक्ट। और जब करंट जनरेट होता है, रिभा बोलेगी, जब करंट जनरेट होता है तो उस समय मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव इधर की तरफ करेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन मूव इधर की तरफ करेगा तो करंट इधर की तरफ मूव करेगा, है ना? चले चले, अर्ज भी सही है और रिभा भी सही है, सब सही है, ठीक है? कल मैंने गलत बोला था, कल, ठीक है? हाँ चलिए, तो अब बताइए कि मैंने क्या कहा, ये मिटाओ, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, ये जो ना ये गलत लिखा है, इसलिए कुछ बच्चे गलत आंसर दे देते। चलो, ये मैंने गलत लिखा था इसलिए कुछ बच्चे गलत आंसर दे देते। हाँ, तो ये क्या आपका फ्लो ऑफ करंट, ये है करंट, तो करंट मूव करता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, ये ग्रीन वाला भी क्या है, करंट है। तो करंट जो मूव कर रहा है इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा है, उस दौरान जब करंट मूव करती है, करंट जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हो रही है। देखो, इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता जा रहा है तो करंट इधर मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे, अच्छा एक बात, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मूवमेंट अपोजिट होती है, ये तो पता है ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन, हालांकि वहां पे लोग बताते हैं कि पॉजिटिव आयन मूव नहीं करता है करंट के दौरान, मैं यहां बोलूंगा यहां पे कि इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर प्रोटॉन जा रहा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन जा रहा होगा, पॉजिटिव आयन जा रहा होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब नेगेटिव आयन इधर और पॉजिटिव आयन इधर। तो अब आप यहां से देख के बताएंगे कि पॉजिटिव आयन और करंट का डायरेक्शन सेम सेम, ठीक है? और देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट, कितने को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। अब बिल्कुल परफेक्ट बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि ये सब बातें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सर पहले लेक्चर में ही सिखा देते हैं, ठीक है? टेंथ में भी ये सब पढ़ते होंगे बच्चे लोग कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और पॉजिटिव आयन का हालांकि मूवमेंट नहीं होता, लेकिन अगर मानेंगे तो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन मूव करता है, ठीक है? चलो, पहले क्या मेरे से टंग मिस्टेक हुआ? नहीं हुआ, मैंने सही कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप बस इस बात गौर कर लीजिएगा तो खेला हमारा हो जाएगा, ठीक है? देखिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन का एक्युमुलेशन हो गया कहाँ, ए सेगमेंट में हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ शिवानंद, अभी ए सेगमेंट में अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का जमावड़ा हुआ या बाहर की तरफ? ए सेगमेंट में सर, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, तो बताओ यहाँ करंट किधर से किधर मूव करेगा, ए टू बी या बी टू ए? अच्छा एक मिनट, क्या नाम है शिवानंद? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, एक्सोलिमा के अंदर चार्ज दिखाया जा रहा है, ठीक है? एक्सेस आयन हुआ यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ कम पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज क्रिएट होता, तो आपको पता ही है। तो अब बताओ कि करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ए टू बी या बी टू ए? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बताना। बी टू ए सर। कहाँ? बी टू ए। लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, अभी इधर लिखे थे हम, लो वो मिटाते नहीं है सर। लो, अरे करंट का मूवमेंट कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जहां करंट जनरेट हुआ ए सेगमेंट में, एक करंट जनरेट हुआ एक्सेस पॉजिटिव आयन आने की वजह से। अब बताओ वो करंट मूव किधर की तरफ करेगा, ए टू बी या बी टू ए? अंदर में। ए टू बी सर। ए टू बी। अब बताओ बाहर की तरफ भी ऐसा कुछ हुआ है ना? यस सर। बाहर की तरफ भी पोलैरिटी रिवर्स हुई है ना? तो बताओ बाहर की तरफ चार्ज किधर से, सॉरी करंट किधर से किधर मूव करेगा? बी टू ए सर। बी टू ए। ये बात कितनों को समझ में आ गया, बात कर कीजिए।
और ये जो डायरेक्शन है दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, रेड वाला दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। चलिए अब मुझे बताइए अगर ऐसा हुआ तो क्या होने लगेगा, ये इधर से इधर आ रहा है करंट। अच्छा करंट के डायरेक्शन में कौन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, अभी लिखा था करंट के डायरेक्शन में, ये रहा करंट का डायरेक्शन और ये रहा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो बताओ ये सारा पॉजिटिव आयन इधर की इधर आ जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन बेसिकली इधर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के सीन क्या होगा, सीन ये होगा कि जब ये सारा इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, अब इधर कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा भाई, अंदर की तरफ निगेटिव हो जाएगा, और इधर से जब करंट इधर आ गया तो इधर की तरफ अब क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कुछ ऐसा हुआ होगा। अंदर की तरफ का कहानी कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो, अंदर की तरफ का कहानी कितनों को समझ में आ गया, आ गया। अब देखो बाहर की तरफ, बाहर में क्या हुआ भाई, ये इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ए से बी आया है, इलेक्ट्रॉन ए से बी आया है, इसलिए करंट बी टू ए गया है। करंट अगर बी टू ए गया है और इलेक्ट्रॉन ए टू बी आया बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में गया तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा ए पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया बी में ना, इलेक्ट्रॉन मूव किया है ना, और यहां जब इलेक्ट्रॉन आया तो अब यहां बाहर वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। कितनों को समझ में आ गया, हाथ रखिए, कितनों को समझ में आ गया। कुल मिला के अब आप गौर कीजिए, क्या ए वाली सेगमेंट अपने आप को अगेन रिपोलराइज कर ली, क्या ये अपने आप को रिपोलराइज कर ली, क्या अब बी वाला डीपोलराइज नहीं हो गया, बोलो क्या बी वाला का पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो गया कंडक्शन के दौरान, कंडक्शन पढ़ रहे हैं जनरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बी वाले का पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो गया। सी और डी और ई को तो पता तक नहीं है कि क्या हुआ है, वो तो अभी भी पोलराइज। यहां तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ रखिए जल्दी। चलिए सुमन अब बताओ, सुमन माइक ऑन करो। यहां पॉजिटिव बी सेगमेंट में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हुआ है, यहां करंट जनरेट होगा, अब बताओ अंदर की तरफ करंट कहां से कहां जाएगा, बी टू सी या सी टू बी, बी टू सी, बी टू सी। अगर अंदर की तरफ करंट जाएगा बी टू सी, अंदर की तरफ करंट जाएगा बी टू सी, तो बताओ बाहर की तरफ करंट कहां से कहां जाएगा, सी टू बी, बी टू सी टू बी, सी टू बी, अब बस सी टू बी, ये रेड वाला करंट का फ्लो का डायरेक्शन। तुम ही बताओ सुमन, अगर करंट यहां से बी वाले से मूव किया अंदर में बी टू सी, तो मतलब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा, राइट, यस। तो करंट सी टू बी आया होगा, बोलो सॉरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सी टू बी आया होगा, बोलो अंदर में, यस। तो अगर इलेक्ट्रॉन सी से बी आएगा अंदर अंदर, तो बी अंदर की तरफ कैसा होने लगेगा, नेगेटिव, नेगेटिव, बहुत बढ़िया, नेगेटिव होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आया बी में, इलेक्ट्रॉन सी से, सी से, तो सी में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी होगी, राइट, यस। तो अंदर अंदर वो कैसा होने लगा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने लगा। चलो बाहर का खेल खेलो, अब बताओ बाहर की तरफ यहाँ क्या हुआ, बाहर की तरफ करंट गया है सी टू बी, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया होगा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन बी टू सी, अगर इलेक्ट्रॉन बी से सी चला गया तो बी में बाहर कैसा चार्ज क्रिएट होने लगेगा, पॉजिटिव, शाबाश, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन सी सेगमेंट में आया बाहर की तरफ, तो सी सेगमेंट बाहर अब कैसा होने लगेगा, नेगेटिव, शाबाश, नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट होने लगेगा। अच्छा ये वाला ऐसे कैसे है, इस डी और ई को पता तक नहीं है कि क्या हुआ, ये पोलराइज्ड है। अब बताओ सी वाला क्या हो गया, डीपोलराइज नहीं हो गया, और बी वाला क्या हो गया, अगेन रिपोलराइज हो गया, और ए वाला अब तक हाइपर पोलराइज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो मैं अभी आपको अगले डायग्राम में समझा दूंगा, ये वाला हाइपर पोलराइज हो जाएगा।
यहां तक कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पे ये बोलो रिभा, क्या सी सेगमेंट में करंट जनरेट होगा? यस और नो? यस। तो करंट कहां से कहां मूव करेगा? सी से डीप में अंदर की तरफ। यस सर। लो ये अंदर की तरफ मूव किया, बाहर की तरफ डी टू सी मूव किया। लो डी टू सी मूव किया। अब तुम ही बताओगे रिभा, अगर करंट मूव किया है सी टू डी अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव किया? इलेक्ट्रॉन डी टू सी किया। डी टू सी मूव किया, तो सी वाला अंदर से कैसा होने लगेगा? निगेटिव। तब बस निगेटिव होने लगेगा। और डी वाला अंदर से कैसा होने लगेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? पॉजिटिव। तब बस पॉजिटिव होने लगेगा। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किया है रिभा? इलेक्ट्रॉन सी टू डी किया है। तब बस क्योंकि करंट फ्लो किया है डी टू सी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा सी टू डी। तो अगर यहां से सी से इलेक्ट्रॉन चला गया डी में, तो सी कैसा होने लगेगा बाहर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और डी में इलेक्ट्रॉन आया है सी से बाहर की तरफ, तो डी कैसा होने लगेगा बाहर? निगेटिव। निगेटिव। अच्छा, तब तक ये वाला क्या हो गया होगा? देखो ये वाला अभी क्या हो गया, गौर करो, ये वाला सेगमेंट सी वाला क्या हो गया दली देखो। अच्छा डी तो ये क्या हो गया, डी पोलराइज्ड, इसको पता तक नहीं है क्या हुआ है। ये वाला क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। अच्छा ये वाला क्या हो गया तब तक, हाइपर पोलराइज्ड। और ये वाला तब तक हो जाएगा पोलराइज्ड। कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, लो ये वाला पोलराइज्ड अगेन हो गया, ये वाला पोलराइज्ड अगेन हो गया। समय कम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में मिलते हैं। समय कम है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में मिलते हैं। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, इसको पूरा कर देंगे, देख लीजिए इसको तब तक।